तो आइए लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। तो दोस्तों आइए क्वेश्चन को शुरू कर देते हैं। सो फ्रेंड्स हियर इज माय फर्स्ट क्वेश्चंस फॉर द पीसीएस एग्जामिनेशन। शरीर में कैल्शियम ऑक्सीलेट की बहुत ज्यादा मात्रा डॉट 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 का कारण बनती है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर बॉडी के अंदर CsC2O4 कैल्शियम ऑक्सीलेट, अगर किसी व्यक्ति के अंदर बॉडी के अंदर कैल्शियम ऑक्सीलेट की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो उसके शरीर में क्या हो सकता है। आइए हम पहले ऑप्शंस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अगर मैं आपसे ऑप्शंस के बारे में चर्चाएं करूं तो दोस्तों पहला क्या है, हाइपोग्लासीमिया। जी हाँ, देखिए हाइपोग्लासीमिया एक ऐसा रोग है, एक ऐसी व्याधि है जो हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा के कम हो जाने से होती है। जी हाँ दोस्तों, हमारी बॉडी में क्या होता है, इंसुलिन होता है, और इंसुलिन ऐसा पदार्थ है जो ग्लूकोज की मात्रा को संतुलित करता है। अगर ये इंसुलिन कम पड़ जाता है तो ग्लूकोज बढ़ जाता है, जिसे हम मधुमेह के नाम से जानते हैं, और अगर ये इंसुलिन बढ़ जाता है तो हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा घट जाती है और उस रोग को हम क्या कहते हैं, हाइपोग्लासीमिया कहते हैं। और फ्रेंड्स अभी मैंने आपसे क्या बोला कि जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे हम मधुमेह कहते हैं, और जब शरीर में ग्लूकोज की मात्रा घट जाती है तो उसे हाइपोग्लासीमिया कहते हैं। इसका मतलब कैल्शियम ऑक्सीलेट से इन दोनों ऑप्शंस का कोई मेल मिलाप नहीं है। एंड फ्रेंड्स आगे पथरी, पथरी का मतलब होता है स्टोन। होता यह है कि जब शरीर में बनने वाले कुछ अपशिष्ट पदार्थों के क्रिस्टलीकरण से, यानी कुछ अपशिष्ट पदार्थों के जमाव के कारण हमारे गुर्दे में कुछ कण बन जाते हैं तो उसे हम पथरी कहते हैं। और दोस्तों जो आपका आखिरी वाला ऑप्शन है इसे हम कहते हैं निर्जलीकरण, जिसका मतलब है डिहाइड्रेशन। और ये डिहाइड्रेशन क्यों होता है, शरीर में जल की मात्रा कम क्यों होती है। देखिए अगर किसी व्यक्ति को कॉलरा हुआ है तो उसको क्या होता है, ओमिटिंग होती है। ओमिटिंग होने से क्या होता है, पूरी बॉडी का जो जल होता है, जल स्तर घट जाता है। या फिर जब हम कहीं धूप में जाते हैं तब भी क्या होता है, निर्जलीकरण होता है। तो दोस्तों ये चारों ऑप्शंस में ये सस्पेंस पैदा होता है कि कैल्शियम ऑक्सीलेट की बहुत अधिक मात्रा किसका कारण बनती है। तो हाइपोग्लासीमिया ये ग्लूकोज के घटने से होता है, उसके बाद मधुमेह ग्लूकोज के शरीर में रक्त में बढ़ने से होता है, उसके बाद पथरी, उसके बाद निर्जलीकरण। कुछ लोगों के आंसर बहुत सही आ रहे हैं कि उनका आंसर क्या आ रहा है, सी आ रहा है। जी हाँ दोस्तों ध्यान देना, कैल्शियम ऑक्सीलेट ये क्या होती है, पथरी। तो कैल्शियम ऑक्सीलेट CaC2O4, अगर शरीर में कैल्शियम ऑक्सीलेट बहुत अधिक मात्रा में हो जाता है तो कैल्शियम के क्रिस्टलीकरण से क्या होता है, हमारे गुर्दे में कुछ कण बन जाते हैं जिन्हें हम किडनी स्टोन, या उन्हें हम हिंदी में क्या कहते हैं, पथरी कहते हैं। तो आपका तीसरा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। कुछ लोगों के आंसर बहुत सही आए हैं, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न के साथ हमें जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला है, और इसी के साथ मैं आगे बढ़ूंगा और देखेंगे हम अगला प्रश्न हमारा कौन सा है। तो दोस्तों आगे आने वाली परीक्षा में जो प्रश्न पूछने का पैटर्न है वो कुछ ऐसे ही होगा, तो आप सबको तैयार रहना पड़ेगा, तत्पर रहना पड़ेगा। और आपकी तैयारी के लिए टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सदैव तैयार है, आप बिल्कुल बैच ज्वाइन करिए। स्क्रॉलिंग में नंबर चल रहा है पीसीएस के लिए। तो दोस्तों आगे आइए बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या बन सकता है। सो फ्रेंड्स क्वेश्चंस कह रहा है डीसी, यानी देखिए डीसी क्या है, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट करंट। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, या इसे हम कहते हैं दिष्ट धारा। तो डीसी की अपेक्षा एसी के लाभ यह है कि, यह पूछ रहा है कि डीसी की अपेक्षा एसी मतलब दिष्ट धारा डायरेक्ट करंट की अपेक्षा अल्टरनेटिव करंट के यह लाभ है कि इसमें अपेक्षाकृत अधिक ऊर्जा होती है, उसके बाद इसमें वोल्टता के उतार चढ़ाव नहीं होते।
इसकी जनन यानी लागत क्षमता क्या होती है, कम आती है, यह कम ऊर्जा हानि के साथ लंबी दूरी तक संचारित हो सकती है। जी हाँ, ये चार ऑप्शन है। पहले हमको समझना पड़ेगा एसी और डीसी को। तो फ्रेंड्स, पहले पढ़ेंगे डीसी क्या है और एसी क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे यहां डायरेक्ट करंट के बारे में कि डायरेक्ट करंट क्या होता है, अर्थात डीसी क्या होता है, और फिर हम जानेंगे अल्टरनेटिव करंट क्या होता है, अर्थात एसी क्या होता है। तो अल्टरनेटिव करंट एंड फ्रेंड्स, एक होता है डायरेक्ट करंट। तो अगर मैं बात करूं डायरेक्ट करंट की, तो सबसे पहले प्रश्न यह बनता है कि देखिए, जो डायरेक्ट करंट होता है, जो डीसी होता है, डीसी करंट को हम बैटरी में उत्पन्न कर सकते हैं और डीसी करंट को हम बैटरी के अंदर क्या होता है, संचित भी कर सकते हैं। यानी डीसी करंट ऐसा करंट है जिसकी आवृत्ति क्या होती है, इसकी आवृत्ति होती है 0 हर्ट्ज। इसकी आवृत्ति कितनी होती है, 0 हर्ट्ज। और अगर यही बात की जाए एसी करंट की, तो एसी करंट की आवृत्ति कितनी होती है, इसकी आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज और प्लस माइनस 3% छूट। यानी अगर आवृत्ति 50 हर्ज होगी तो यहां जो करंट बनेगा वो फ्लक्चुएट नहीं करेगा, लेकिन अगर 53 या 47 के नीचे ऊपर होगी तो करंट क्या होगा, फ्लक्चुएट करेगा। फ्रेंड्स, जो डीसी करंट होता है, डीसी करंट से मोबाइल चार्जिंग प्रक्रिया होती है, यानी इसमें क्या होता है, इससे मोबाइल चार्जिंग की प्रक्रिया हो जाती है डीसी करंट से, लेकिन हम एसी करंट से मोबाइल चार्जिंग की प्रक्रिया नहीं संपन्न कर सकते। तो डीसी करंट से मोबाइल चार्जिंग होती है, लेकिन एसी करंट से क्या होता है, मोबाइल चार्जिंग की प्रक्रिया नहीं होती। और जो डीसी करंट है इसको हम बैटरी या जनरेटर से उत्पन्न कर सकते हैं। तो ध्यान देना, इसकी उत्पत्ति कहां से होती है, अगर मैं उत्पत्ति की बात करूं तो उत्पत्ति होती है बैटरी या फिर जनरेटर। इसको हम बैटरी जनरेटर से उत्पन्न कर सकते हैं, और ध्यान देना, इसको बैटरी और जनरेटर से उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। और एक बात विशेष रूप से जान लीजिए कि एसी करंट का प्रयोग ट्रांसफार्मर में होता है, और वही ट्रांसफार्मर में हम डीसी करंट का प्रयोग नहीं करते। यदि ट्रांसफार्मर के अंदर डीसी करंट का प्रयोग होगा तो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग जल जाएगी। सो फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग जल सकती है। एक विशेष बात, अगर हम जो डीसी करंट होता है हमारा, इसे दूर तक ले जाने में, तो इसे दूर ले जाने में ऊर्जा का क्षय होता है, ऊर्जा का क्षय होता है, यही तो प्रश्न पूछ रहा था। लेकिन एसी में इसे दूर ले जाने में, दूर ले जाने में सुविधाजनक होता है, क्योंकि ऊर्जा का क्षय कम होता है। तो आप बताओ राइट आंसर क्या होता है। अब अगर मैं बात करूं तो डीसी को दूर ले जाने में क्या होता है, हानि होती है, क्योंकि डीसी क्या होता है, डीसी में, डीसी को दूर ले जाने में ऊर्जा का क्षय होता है, और यदि हम एसी को दूर ले जाए तो ऊर्जा की हानि कम से कम होती है। और बिल्कुल आपका यही प्रश्न बन रहा था, यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि डीसी की अपेक्षा एसी के लाभ यह है कि, लाभ क्या है इसके, लाभ यह है कि यह कम ऊर्जा हानि के साथ लंबी दूरी तक संचरित की जा सकती है। बिल्कुल, यानी कि अगर हम डीसी को दूर ले जाएंगे तो अधिक मात्रा में क्या होगा, ऊर्जा की हानि होगी, और अगर हम एसी को दूर ले जाएंगे तो ऊर्जा की हानि कम से कम होगी। जी हाँ, यही क्वेश्चंस आपसे आंसर पूछ रहा है। तो दोस्तों, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। क्लियर।
अगर हम आगे बढ़े और आगे आने वाले प्रश्नों की बात करें तो देखिए आगे प्रश्न क्या है, गैस से ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया, बहुत शानदार प्रश्न है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो बहुत अपने आप में एक शानदार प्रश्न है कि गैस से ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया। और एक बात और, मैं आप सभी के आंसर का वेट करूंगा कि आपका आंसर क्या आता है। तो क्वेश्चन क्या है, गैस से ठोस में परिवर्तन की क्रिया क्या है, ऊर्ध्वपातन, संघनन, वाष्पन, दृढ़ीकरण। ये आपके सामने चार ऑप्शन है, इन चारों में एक न एक सही ऑप्शन है। आइए पहले हम इन सभी उत्तरों पर पहले एक बार चर्चा करते हैं। पहला है ऊर्ध्वपातन। तो भाई ऊर्ध्वपातन को हम अंग्रेजी में कहते हैं सब्लिमेशन, इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं सब्लिमेशन। ये सब्लिमेशन की प्रक्रिया है, और सब्लिमेशन की प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें ठोस जलकर सीधे गैस में बदल जाता है, जैसे कपूर और आयोडीन, मोमबत्ती का जलना, तो उसे हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। भाई अगर हम कपूर को जलाते हैं तो कपूर में आग लगाते ही कपूर क्या होता है, उड़ जाता है ना। उसमें कपूर को जलाने के बाद ठोस से द्रव नहीं बचता, बल्कि ठोस से सीधा गैस में परिवर्तन। तो इस क्रिया को हमने क्या नाम दिया है, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और यदि मैं आपसे अगले ऑप्शन पे बात करूं तो क्या है, संघनन, और इसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कंडेंसेशन, अर्थात इसे हम कहते हैं संघनन। देखिए हमारे आसपास तालाब में, नदी में, झील में, झरने में जल उपस्थित है, और जब सूर्य का प्रकाश, देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए अब ये तालाब है, ये तालाब है, तो अगर मैं बात करूं जैसे यहां ये कोई स्थल हो गया, ये स्थल भाग है, और स्थल भाग के पास क्या तालाब है, यहां पर बहुत मात्रा में जल है। तो जब इस सूर्य का प्रकाश जल पर पड़ता है तो जल क्या होता है, गर्म होकर के भाप बन करके यानी वाष्पन के माध्यम से ऊपर उड़ता है। और देखिए ऊपर क्या है, बहुत सारी गैस है, गैसें हैं, धूल के कण हैं, और यही जो जल वाष्प बन के ऊपर उड़ता है तो उन्हीं धूल के कणों पर, गैस के कणों पर क्या होता है, चिपक जाता है। और फिर जब हवा चलती है या फिर तापमान बढ़ता है तो यही जल वाष्प क्या होती है, पिघल करके द्रव बन जाती है। यानी दोस्तों ये क्या थी, ये थी जलवाष्प, ये क्या था, ये था जलवाष्प, और ये जलवाष्प पिघल कर क्या बन गया, द्रव बन गया, यानी यही वाष्प, वाष्प से द्रव में बदलना। जी हाँ, गैस वाष्प से द्रव में बदलना क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। देखिए संघनन की क्रिया के द्वारा ही बादलों का निर्माण होता है। यदि हम बादलों की बात करें तो संघनन की क्रिया के कारण ही क्या होता है, बादलों का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो फ्रेंड अगला ऑप्शन क्या है, वाष्पन। वाष्पन किसे कहते हैं, वाष्पन क्या होता है, बहुत ही शानदार ये भी क्वेश्चन दोस्तों है। देखिए वाष्पन वह प्रक्रिया है, इसमें दो चीजें होती, अगर मैं बात करूं वाष्पन की तो वाष्पन दो होता है, एक होता है वाष्पन और फ्रेंड्स एक होता है क्वथनांक, जिसे हम कहते हैं बॉयलिंग, ठीक है, एक होता है क्वथनांक। तो जहां 100 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है ना, 100 डिग्री सेल्सियस पर जल का यानी हम कहें कि 100 डिग्री सेल्सियस पर द्रव का गैस में बदलना क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। और वही वाष्पन क्या है दोस्तों, किसी भी तापमान पर, इसमें तापमान कोई निश्चित नहीं होता, तो वाष्पन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी भी ताप पर या किसी भी तापमान पर द्रव से गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है, वाष्पन कहलाता है।
और वाष्पन देखिए जहां पर क्वथनांक बॉइलिंग 100 डिग्री पर होता है वहीं वाष्पन किसी भी तापमान पर हो जाता है। और इस बात का ध्यान देना अगर क्षेत्रफल यानी एरिया, अगर एरिया और टेम्परेचर बढ़ जाए तो वाष्पन की दर क्या होती है अपने आप बढ़ जाती है। यानी कि अगर एरिया बढ़ जाता है या तापमान बढ़ जाता है तो वाष्पन की दर क्या होती है बढ़ जाती है। यानी हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पर और एक क्वेश्चन क्या बचा हमारा दृढ़ीकरण। अभी हमारे पास एक ऑप्शन है तो भाई इसको समझाने के लिए मैं आपको एक मजेदार चीज बताऊंगा। देखिए जैसे हम पढ़ते हैं ठोस, इसको हम कहते हैं सॉलिड, ठोस अर्थात सॉलिड। एंड फ्रेंड्स ठोस के बाद क्या होता है, यहां होता है द्रव, ठोस द्रव और गैस, तीन चीजें। तो ठोस द्रव और गैस यहां हम ग्राफ से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए पहला पॉइंट द्रव से ठोस में बदलना, तो द्रव से ठोस में बदलना क्या कहलाता है, इसको हम पहले पढ़ चुके हैं, ये हिमांग कहलाता है। तो द्रव से ठोस में बदलना क्या होता है, फ्रीजिंग होता है, इसको हम हिमांग कहते हैं अर्थात फ्रीजिंग कहते हैं। और अगर यही उल्टा हो जाए तब, ठीक है, यानी कि द्रव से लिक्विड से सॉलिड में क्या होता है, लिक्विड से सॉलिड में आपका फ्रीजिंग कहलाता है। और फ्रेंड सॉलिड से अगर यही प्रक्रिया लिक्विड बन जाए तब, तो सॉलिड से लिक्विड, ठोस से द्रव, और इसे हम कहते हैं गलनांक या इसे हम कहते हैं मेल्टिंग। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम गलनांक या इसे हम मेल्टिंग कहते हैं। तो देखा आपने द्रव से ठोस में फ्रीजिंग है और ठोस से द्रव में क्या है मेल्टिंग है, और दोनों होता है 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। अब यहां मैं बात कर लू आपसे, अगर मैं बात करूं द्रव से गैस में बदलना, द्रव से गैस में बदलना क्या कहलाता है, तो द्रव से गैस में बदलना या तो वाष्पन कहलाता है और या तो क्वथनांक कहलाता है। जी हाँ, या तो वेपोराइजेशन होगा या फिर बॉइलिंग होगा। और अगर यही प्रोसेस रिवर्स कर दिया जाए, गैस से द्रव में बदलना, तो जी हाँ क्या कहलाता है, संघनन अर्थात कंडेंसेशन कहलाता है। ठीक, और यदि हम यहां ठोस से सीधा गैस में, जी हाँ अभी आपको मैंने कपूर को जलाने का उदाहरण दिया था, तो ठोस से सीधा द्रव में फ्रेंड्स क्या होता है, सब्लिमेशन, ये होता है ऊर्ध्वपातन। और यदि यह प्रक्रिया हम लोग उल्टा कर दें, जी हाँ यदि हम लोग गैस से ठोस कर दें, तो गैस से ठोस में बदलना क्या हो जाएगा, दृढ़ीकरण, और इसी को हम कहते हैं कंसोलिडेशन। यही तो आपका क्वेश्चन बन रहा है, यही तो आपसे आंसर पूछ रहा है कि गैस से ठोस बदलना क्या कहलाता है। देख लीजिए पॉइंट्स कितना आसान तरीका है, इसको हम कहते हैं चेंज इन स्टेज, बहुत आसान तरीका इसको पढ़ने का। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि ठोस से, क्वेश्चन पूछ रहा है गैस से ठोस में बदलना क्या कहलाता है, तो बहुत ही आसान, तो उसको हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, उसको हम कहते हैं कंसोलिडेशन। क्या कहते हैं, कंसोलिडेशन। और यदि मैं इसके उदाहरण की बात करूं, इन सबके एग्जाम्पल है कपूर का जलना, जलवाष्प का पिघलना, ठीक है ना, जल का वाष्प बनना, ठीक है, लेकिन दृढ़ीकरण का एग्जाम्पल क्या है। अगर मैं आपसे पूछ दूं इसका एग्जाम्पल क्या है तो क्या बताओगे, देखो भाई जब हम काजल का निर्माण करते हैं तो पहले दिया जलाते हैं, जब दिया जलाते हैं उसमें क्या होता है, उसमें से धुआं निकलता है, वाष्प निकलती है, और वहीं हम क्या करते हैं उसी वाष्प से काजल को ठोस के रूप में प्राप्त कर लेते हैं, तो वही गैस से क्या होता है ठोस में बदलना, वही कहलाता है कंसोलिडेशन अर्थात दृढ़ीकरण। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा कौन सा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि रसायन उद्योग में
रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब का मूल नाम है, यानी तेजाब का मूल नाम क्या है, तेजाब किसे कहते हैं, और पूछ रहा है रासायनिक उद्योग में। तो भाई पहला क्या है, HNO3, इसको हम कहते हैं नाइट्रिक अम्ल, ध्यान देना इसको हम कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। जी हाँ दोस्तों, सोना वगैरह नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती, या कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती। उसके बाद नाइट्रिक अम्ल के बाद क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोस्तों, क्या है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात HCl है, बहुत ही अम्लीय पदार्थ होता है ये, बहुत ज्यादा अम्लीय होता है। आगे हम बात करें तो H2SO4, इसे हम कहते हैं अम्लों का राजा, ये क्या है, ये है अम्लों का राजा। और यदि हम बात करें यहीं पर HNO3+ H3HCl, इसे हम कहते हैं अम्लराज, यानी एक्वारेजिया, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम कहते हैं अम्लराज अर्थात एक्वारेजिया। तो रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब का मूल नाम है, यह प्रश्न आपसे बन रहा है। तो पहला क्या है, HNO3, ध्यान देना वर्षा में, या हम कहें कि अगर प्रश्न ऐसा बन जाए कि अम्लीय वर्षा में योगदान कौन देता है, तो ध्यान देना अम्लीय वर्षा में नाइट्रिक अम्ल प्रमुख रूप से योगदान करती है। तो फ्रेंड्स इसमें आपका राइट आंसर क्या बन सकता है, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। कुछ लोगों के आंसर आ रहे हैं, जी हाँ इसमें जो H2SO4 है जिसे हम कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, इसे हम कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ये ऐसा अम्ल है जिसे हम कहते हैं अम्लों का राजा, ठीक है। और ध्यान देना भाई यही तेजाब का क्या है, मूल सूत्र है, औद्योगिक सूत्र है, इसे हम कहते हैं अम्ल का राजा। और ध्यान देना ये है अम्लराज, इतना अम्ली होता है कि ऐसी धातुएं जो कहीं विलय नहीं होती, जैसे प्लेटिनम सोना चांदी, ऐसी धातुएं भी अम्लराज के साथ क्या होता है, अभिक्रिया कर लेती हैं। तो जो बहुत ही उत्कृष्ट धातुएं होती हैं वो भी अम्लराज में क्या होता है, घुल जाती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। सो फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न है, डीएनए से आरएनए के निर्माण की क्रिया क्या है। तो सबसे पहले समझेंगे डीएनए क्या है। डीएनए ऐसा पदार्थ है जो हमारी पैतृकता को सिद्ध करता है, डीएनए ऐसा पदार्थ है जिसको हम लाइफ का ब्लूप्रिंट कहते हैं, और डीएनए ऐसा पदार्थ है जो प्रमुख रूप से सभी आनुवंशिक क्रियाओं को संपन्न करवाता है। डीएनए ऐसा पदार्थ है जिसको हम आनुवंशिकता की इकाई कहते हैं, और डीएनए ऐसा पदार्थ है जिसका डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक ने प्रस्तुत किया था। तो क्वेश्चंस क्या बन रहा है, डीएनए से आरएनए निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है। तो दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, डीएनए से आरएनए निर्माण की क्रिया। तो भाई पहला क्या है, डुप्लीकेशन। और हां मैं आपसे एक बात और कह दूं कि आरएनए क्या है, तो भाई आरएनए भी समझ लीजिए कि प्रोटीन का निर्माण करता है, तो आरएनए भी हमारी कोशिकाओं में प्रमुख रूप से पाया जाता है। तो अगर डीएनए की बात की जाए तो एशिया का पहला डीएनए बैंक हमारे लखनऊ में स्थापित किया गया था, इकरा इन्फोटेक एंड ह्यूमन डीएनए बैंक। प्रश्न पूछता है कि डीएनए का अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ दे रहा हूं कि डीएनए का फिंगरप्रिंटिंग सेंटर कहां पर स्थापित किया गया है, ठीक है। लेकिन आपको हिंट के लिए बोल दूं कि दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश के आसपास ही स्थापित किया गया है, इसका नाम है सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। तो क्वेश्चन क्या है, डीएनए से आरएनए निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है। दरअसल हमारी कोशिकाओं में कुछ क्रियाएं होती हैं, जैसे डुप्लीकेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, वहीं से क्वेश्चन आया है ये कि डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया क्या कहलाती है। और लोक सेवा आयोग में यहीं से एक प्रश्न आ चुका है वन विभाग के परीक्षा में। देखिए अगर मैं बात करूं डुप्लीकेशन की, तो भाई इसमें क्या होता है, डीएनए टू डीएनए, यानी कि डीएनए से जब क्या बनता है, जब डीएनए से डीएनए बन जाता है, तो भाई डीएनए से डीएनए बनने की क्रिया को हम कहते हैं डुप्लीकेशन।
और जब डीएनए से आरएनए बनता है, ठीक है दोस्तों, यानी कि डीएनए से डीएनए बनने की क्रिया डुप्लीकेशन होती है और आरएनए से आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया ट्रांसलेशन होती है, और डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया ट्रांसफॉर्मेशन होती है। आइए हम देखते हैं कि यहां प्रश्न क्या पूछ रहा है। तो डुप्लीकेशन क्या होता है, डीएनए टू डीएनए, डीएनए से डीएनए बन जाए तो डुप्लीकेशन, ट्रांसलेशन क्या होता है, यानी जब आरएनए से प्रोटीन बन जाए, आरएनए टू प्रोटीन, जब आरएनए से प्रोटीन बन जाए तो इसे क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। दो ऑप्शन और बचे हुए हैं, इन दोनों ऑप्शन में कुछ ना कुछ सही है, तो सही कौन सा, यह चर्चा आपसे करनी है। देखिए अब हम देखते हैं तीसरा ऑप्शन पर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो आरएनए टू डीएनए, यानी जब आरएनए से उल्टा डीएनए बन जाए तो वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब तो सभी का सही हो जाएगा, क्योंकि केवल कौन सा बचा ऑप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। जी हाँ, ट्रांसक्रिप्शन ही सही ऑप्शन है। जब डीएनए से आरएनए बनता है तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानते हैं, अर्थात डीएनए से जब आरएनए का निर्माण होता है तो डीएनए टू आरएनए, ये कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। तो आप देख सकते हो, डुप्लीकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, और फ्रेंड्स यहां पर मैं एक ऑप्शन और जोड़ दे रहा हूं, जिसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं, तो देखिए जब डीएनए से आरएनए, जब डीएनए से आरएनए तथा यहीं पर क्या हो जाएगा, आरएनए से क्या बन जाए, प्रोटीन। तो जब डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन, अगर ऐसा होता है तो वो कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन। जी हाँ, आपके पांच प्रश्न तैयार, तो ध्यान देना, अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसे ही पढ़ाई करें और क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व करें, तो टारगेट विद ऑनलाइन, टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में पीसीएस प्रीलिम्स 2020 का बैच प्रारंभ है, और आप लोग जरूर ज्वाइन करिए। बैच को ज्वाइन करने के लिए, संबंधित जानकारी के लिए, स्क्रॉलिंग हो रहे नंबरों पर आप फोन करिए, मैसेज करिए, हमारी काउंसलिंग टीम आपको एडमिशन से जुड़े हर एक प्रोसेस के बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक जानकारी दे देगी। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। मनुष्य में फियर यानी कि डर, इमोशन, उसके बाद डिसीजन मेकिंग एंड एग्रेशन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मनुष्य में फियर यानी कि डर, इमोशन, डिसीजन यानी कि जो हम लोग फैसले लेते हैं, एंड एग्रेशन, जल्दबाजी में होते हैं, तो इन सब का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग में होता है। तो पहले हम इन सभी ऑप्शंस के बारे में देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। एंड अगर हम बात करें पहले सेरेब्रम की, तो दोस्तों सेरेब्रम क्या होता है, देखिए जैसे ये हमारा मस्तिष्क हो गया, एंड मस्तिष्क में क्या होता है, कुछ नीचे भाग होते हैं, कुछ इस प्रकार के होते हैं, जिनको हम कहते हैं मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। एंड दोस्तों मस्तिष्क के तीन भाग होते हैं, जिसमें हमारा पहला होता है अग्र मस्तिष्क, उसके बाद मध्य मस्तिष्क, फिर क्या होता है पश्चिम मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क में एक भाग होता है जिसे हम कहते हैं सेरेब्रम। सेरेब्रम हमारे अग्र मस्तिष्क का भाग है, और सेरेब्रम जिसे कहते हैं हिंदी में प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क शरीर का ऐसा भाग है, मस्तिष्क का ऐसा भाग है जो सबसे बड़ा और विकसित होता है। अगर क्वेश्चन बन जाए कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा और विकसित भाग कौन सा है, तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा सेरेब्रम। आइए जरा यहां पर इसके बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा कर ले कि सेरेब्रम है क्या। अगर दोस्तों मैं आपसे सेरेब्रम के बारे में बात करूं, तो देखिए हमारे मस्तिष्क का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार बनता है,
जो हमारे मस्तिष्क की रचना है कुछ इस प्रकार से बनती है। और इस भाग को हम कहते हैं मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, मस्तिष्क में हमारे और भी भाग होते हैं, जैसे ये हो गया आपका अग्र मस्तिष्क, उसके बाद मध्य मस्तिष्क, और इन सब भागों के बाद हमारे मस्तिष्क में और भी भाग होते हैं। अगर इनके बारे में चर्चाएं की जाए आपसे, तो कुल मिलाकर के ऐसे भाग होता है हमारे मस्तिष्क में, ऐसे हमारा होता है ब्रेन। और दोस्तों सबसे निचले वाले हिस्से में, मस्तिष्क के सबसे निचले वाले हिस्से में क्या होता है, यहां होता है स्पाइनल कॉर्ड, जिसे हम कहते हैं मेरुरज्जू। ये होता है स्पाइनल कॉर्ड और ये हमारे ब्रेन का हिस्सा है। और सबसे अगले वाले भाग को हम कहते हैं प्रामस्तिष्क, जो आपका पहला ऑप्शन है, तो इसे हम कहते हैं प्रामस्तिष्क। अगर हम आप सभी से प्रामस्तिष्क की बातें करें, तो इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं सेरेब्रम। सेरेब्रम यानी हमारे अग्र मस्तिष्क का दो भाग होता है, एक होता है सेरेब्रम, एक होता है डाईएन्सेफेलॉन। तो यही सेरेब्रम, यही मस्तिष्क का अगला भाग है। सेरेब्रम मस्तिष्क का सबसे विकसित और बड़ा भाग है, जिसका प्रमस्तिष्क, जिसका सेरेब्रम जितना बड़ा होता है, वह व्यक्ति उतना ही बुद्धिमान होता है। और हमारे अंदर हमारी स्मृति, भावना, प्रेरणा, अनुभव, संवेदनाएं, ये सभी कहां संपन्न होती हैं, हमारे अग्र मस्तिष्क वाले भाग में। और उसके बाद मस्तिष्क का दूसरा भाग होता है हाइपोथैलेमस, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। हाइपोथैलेमस में तापमान निश्चित करने की क्षमता होती है, और हाइपोथैलेमस में ही भूख, प्यास, गुस्सा, प्रेम, इन सब का नियंत्रण होता है। और एक होता है थैलेमस, और थैलेमस के अंदर तापमान को समझने की क्षमता होती है, ये ठंडे और गर्म का अनुभव कराता है। तो ध्यान देना, हमने पहले ऑप्शन चर्चा कर ली है, फिर ऑप्शन क्या है, मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। जी हाँ, ऑप्शन है मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। तो मैं आपको इससे अवगत करा दूं कि इस भाग को हम क्या कहते हैं, इसी भाग को हम कहते हैं मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। तो दोस्तों ये ऐसा भाग होता है, देखिए हमारे शरीर में दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, एक ऐच्छिक जो हमारी इच्छा से होती है, और एक अनैच्छिक जो हमारी इच्छा से नहीं होती। जैसे अगर किसी को मारते हैं तो भाई तो ऐच्छिक क्रिया हो गई ना, इसमें कहां अनैच्छिक है, अनैच्छिक क्या होती है, जैसे हमारा दिल धड़कता है अपने आप, ये अपने आप होता है, अनैच्छिक है। श्वसन कर रहे हैं, अनैच्छिक है। रक्त का परिसंचरण पूरी बॉडी में हो रहा है, ये भी अनैच्छिक क्रिया है। छींक आना अनैच्छिक क्रिया है, पल के झपकाना अनैच्छिक क्रिया है। तो शरीर में जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, सभी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला भाग क्या होता है, मेडुला ऑब्लॉन्गेटा होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे एमाइगला। जी हाँ, एमाइगला को पढ़ने से पहले मैं आपसे थोड़ा सा स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बात करूंगा। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, इस भाग को हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, या इसको हम कहते हैं मेरु रज्जु, इसे हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। आखिर स्पाइनल कॉर्ड क्या है, तो दोस्तों ये हमारे रीढ़ की हड्डी के सहारे पूरे पीछे शरीर में फैला होता है। स्पाइनल कॉर्ड ही ऐसा भाग है जो संपूर्ण शरीर को नियंत्रित करता है, यानी ये हमारे रीढ़ की हड्डी में पतले धागे के नुमा फैला हुआ है। अगर रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो क्या होगा, तो स्पाइनल कॉर्ड क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। अगर ये ब्रेक हो गया तो हम अपने पैर की उंगली भी नहीं हिला पाएंगे। हमारे अंदर जितने भी परवर्ती क्रियाएं, रिफ्लेक्स एक्शन अर्थात अचानक होने वाली क्रियाएं होती हैं, उन अचानक होने वाली क्रियाओं पर नियंत्रण कौन स्थापित करता है, यही आपका स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, तो ध्यान देना, यह अभी हो गया। अब देखिए हमारा केवल एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, यानी हमने देखा कि यह, यानी इसमें यह नहीं आ रहा है और यह भी नहीं आ रहा है, यह भी नहीं आ रहा है। तो जी हां, मेडुला, यहां जो बचा हुआ एमाइगला,
एमाइगला ऐसा भाग है हमारे मस्तिष्क का, ये एमाइगला के अंदर ही डर इमोशन है ना, डर और इमोशन और डिसीजन फैसले करना और एग्रेशन, जी हाँ ये सभी चीजें हमारे मस्तिष्क में एमाइगला के द्वारा कंट्रोल की जाती है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए जैसा क्वेश्चन है उससे भी शानदार पढ़ाया जाएगा आपको यहां पर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो भाई वजन बढ़ने के भय से कम भोजन करने वाली मानसिक बीमारी, ये लीजिए, यानी कि कुछ लोग ऐसे होते सोचते हैं हम बहुत स्लिम रहे, फिट और फाइन रहे, ठीक है, बहुत फ्लेक्सिबल रहे। तो इस सोच में क्या होता है, वो बहुत फिट रहने के लिए, बहुत फ्लेक्सिबल रहने के लिए बहुत कम मात्रा में खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, जिनके द्वारा उनके अंदर एक मानसिक बीमारी जन्म लेती है। अब इस मानसिक बीमारी का नाम क्या है? तो भाई इस मानसिक बीमारी का नाम क्या है, तो पहले हम चर्चा करेंगे सभी ऑप्शंस पर। तो बताइए अगर कोई व्यक्ति वजन बढ़ने के भय से खाना कम खाता है तो क्या उसको चिंता होती है, दुश्चिंता? क्या ये ऑप्शन किसी भी एंगल से लगता है कि अगर कोई व्यक्ति वजन बढ़ने के भय से कम भोजन करे तो उसको क्या होगी, दुश्चिंता हो जाएगी, ऐसा होता है? जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर मैं अगले प्रश्न अगले ऑप्शन की बात करूं तो भैया हिस्टीरिया, हिस्टीरिया जरूर एक मानसिक बीमारी है। हिस्टीरिया एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज आज तक वैज्ञानिकों के पास नहीं आया है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि हिस्टीरिया बीमारी केवल महिलाओं में होती है, केवल फीमेल में होने वाली बीमारी है, और हिस्टीरिया के अंदर शादी के पहले महिलाओं में चिड़चिड़ापन, बेहोशी, गुस्सा होना, ठीक है, झगड़ा करना, ऐसी प्रॉब्लम आती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह बीमारी का कोई इलाज नहीं है, यह बीमारी विवाह के बाद स्वतः ही ठीक हो जाती है, यह एक मानसिक बीमारी है। तो डोंट माइंड दोस्तों, यह हिस्टीरिया मानसिक बीमारी है जो महिलाओं में होती है, शादी के पहले चिड़चिड़ापन, गुस्सा, बेहोशी, और शादी के बाद यह अपने आप ठीक हो जाती है। भाई आगे है बुलिमिया, आगे क्या है बुलिमिया? तो दोस्तों बुलिमिया कैसी बीमारी है, दरअसल इसका नाम क्या है, इसका पूरा नाम है बुलिमिया नर्सोवा। बुलिमिया नर्सोवा ऐसी बीमारी है जिसमें आदमी खाते ही रहता है, खाते ही रहता है, उसका पेट कब भरता है, उसकी भूख कब मिटती है उसको पता नहीं चलता, यानी भूख का एहसास नहीं होता, बस वो खाते रहता है, खाते रहता है, हरदम भूख लगी होती है, पेट कभी नहीं भर पाता। यह भी एक मानसिक बीमारी है जिसको हम क्या कहते हैं, बुलिमिया नर्सोवा कहते हैं। तो ध्यान रहे ये ऐसी बीमारी है जिसमें भूख का पता नहीं लगता और व्यक्ति भोजन करता रहता है, कब पेट भर जाता है उसका एहसास नहीं हो पाता, इसे हम बुलिमिया नर्सोवा कहते हैं। जी हाँ, फाइनली हम अब अपने राइट आंसर पर पहुंच चुके हैं, एनोरेक्सिया नर्सोवा। तो एनोरेक्सिया नर्सोवा ऐसी मानसिक बीमारी है जिस बीमारी के अंदर व्यक्ति सोचता है कि वह दुबला पतला रहे, और इस सोच में वह बहुत कम भोजन करता है, धीरे धीरे उसकी मानसिकता भी ऐसी हो जाती है। तो इस मानसिकता को हम एक मानसिक रोग कहते हैं जिसका नाम है एनोरेक्सिया नर्सोवा। तो दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, हम आगे बढ़ेंगे। आगे है तो निम्नलिखित में से मनुष्य के दांत नहीं होते, ठीक है, तो दांत नहीं होते विषम दंती, तो क्या हमारे दांत विषम प्रकार के नहीं होते? सोचिए दोस्तों, होते हैं, अगर मैं बात करूं दांतों की तो दांत हमारे विषम दंती होते हैं कि नहीं होते हैं? अगर इसकी बात की जाए तो देखिए दांत हमारे कुल चार प्रकार के होते हैं, जो सबसे आगे होते हैं सामने की ओर उनको हम कहते हैं कृदंत, और ये कैसे होते हैं, चपटे होते हैं, इस प्रकार के होते हैं। तो दांत हमारे विषम प्रकार के हो गए, ये दांत चपटे होते हैं और ये भोजन को काटने का कार्य करते हैं। इसके बाद जो बगल में दांत होते हैं वो नुकीले होते हैं, कुछ इस प्रकार से होते हैं,
ऐसे नुकीले होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो भोजन को चबाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो भोजन को पीसते हैं, और इन्हें दोस्तों हम क्या कहते हैं, कुछ दांत को हम कहते हैं इनसीजर, जिसे हम कहते हैं इनसीजर, यानी ये कृदंत होते हैं, भोजन को काटते हैं। इनकी संख्या 8 होती है। फिर बगल में होते हैं केनाइन, जो भोजन को चीरते फाड़ते हैं, ठीक है, या छेदते हैं, इनको हम कहते हैं केनाइन, और इनकी संख्या 4 होती है। उसके बाद हमारे बगल में क्या होते हैं, बगल में होते हैं अग्रचर्मरक, जिसको हम कहते हैं प्रीमोलर। अगर हम प्रीमोलर की बात करें तो प्रीमोलर ऐसे दांत हैं जो भोजन को चबाते हैं, इनकी संख्या भी 8 होती है। फिर होता है मोलर, और इनकी संख्या 12 होती है। तो देखिए भैया, हमारे दांत अलग अलग प्रकार के हैं, तो यहां पर ये ऑप्शन तो बनता ही नहीं, यानी ये सही है। तो दांत हमारे विषमदंती हैं, यानी पहला ऑप्शन हमारा क्या है, वो हमारा ऑप्शन सही है भाई। दांत हमारे होते हैं हेटरोडोंट, गर्तदंती। तो बताइए, ये गर्तदंती का मतलब होता है थीकोडोंट, अर्थात दांत हमारे बहुत गहराई से निकले हों। और वास्तविकता भी तो यही है, जो हमारे दांत होते हैं वो जबड़े के गर्त के बिल्कुल अंदर से निकलते हैं, तो इसको हम गर्तदंती और थीकोडोंट कहते हैं। और अगला ऑप्शन क्या है भाई, अगला ऑप्शन हमारा है द्विबारदंती। तो जी हाँ, ये भी सही है। 20 दांत ऐसे होते हैं जिनको हम अस्थाई कहते हैं, और यही 20 दांत दूध के दांत कहलाते हैं, जो एक बार टूटते हैं और दोबारा निकलते हैं। तो हमारे दांत कैसे हो गए, हमारे दांत हो गए द्विबारदंती। अब तो सबके ऑप्शन आ रहे हैं, अब सबके आंसर सही हो रहे हैं। इसका मतलब मनुष्य के दांत नहीं होते, क्या नहीं होते, समदंती, क्योंकि दांत हमारे क्या होते हैं, दांत हमारे विषमदंती भी होते हैं, गर्तदंती भी होते हैं, और द्विबारदंती भी होते हैं। अगर समदंती की बात की जाए तो डॉल्फिन मछली एक समान दांत, या फिर घड़ियाल एक समान दांत, मगरमच्छ एक समान दांत, जिसमें सभी दांत एक समान हो वह समदंती कहलाता है, और जिसमें दांत भिन्न भिन्न प्रकार के हो वह विषमदंती कहलाता है। आगे बढ़ेंगे आगे। तो दोस्तों, किस विटामिन को हार्मोन कहते हैं, पहला ऑप्शन ए है, विटामिन ए को हम क्या कहते हैं, विटामिन सी को क्या कहते हैं, विटामिन डी क्या बोलते हैं, विटामिन ई को क्या बोलते हैं। अगर हम विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए ऐसा विटामिन है जिसका संचय कहां होता है, इसका संचय होता है हमारे यकृत में, और इसका केमिकल नेम क्या है, रेटिनॉल है। और विटामिन ई गाजर आम पपीते मछली के यकृत के तेल में पर्याप्त मात्रा में होता है। और यदि आगे बात की जाए, यह क्या है, यह संक्रमण रोधी विटामिन है। कौन सा है, संक्रमण रोधी विटामिन है। और यदि हम विटामिन ए की बात करें तो गोल्डन धान में, यानी गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन होता है प्रचुर मात्रा में, तो विटामिन ए होता है, यानी विटामिन ए में हार्मोन्स वाली कोई बात नहीं है। तो जरा आगे देखते हैं किसमें आखिर हार्मोन वाली बात है। तो अगर हम आगे देखें तो आगे जो हमारा ऑप्शन आता है वो क्या है, ऑप्शन सी है भाई। विटामिन सी की बात करते हैं तो भाई विटामिन सी ऐसा विटामिन है जिसका रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कार्बिक अम्ल होता है। और एस्कार्बिक अम्ल ऐसा विटामिन है, खट्टे फलों के अभाव में यह हो जाता है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। और स्कर्वी रोग के में क्या होता है, स्कर्वी रोग के अंदर मसूड़े से पस निकलता है, मसूड़े से रक्त निकलता है, मुंह से दुर्गंध आती है, त्वचा का रूखापन, वजन घट जाना, ठीक है, ये सारी बीमारियां कैसी होती, विटामिन सी से होती है। ध्यान देना, इसे हम कहते हैं घाव भरने वाला विटामिन। ये क्या है, घाव भरने वाला विटामिन, किसे कहते हैं, विटामिन सी को कहते हैं। और विटामिन सी को ही हम क्या कहते हैं, इसे ये कहते दोस्तों कि सब्जियों को काट के धुलने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, तो विटामिन सी निकल जाता है। ऐसा कौन सा विटामिन जो गर्म करने पर निकल जाता है, तो जी हाँ, गर्म करने पर विटामिन सी क्या होता है, निकल जाता है।
तो ये ऐसा विटामिन है। अब हम देखिए यहां पर दो ऑप्शन बचे हुए हैं, तो मैं अब अगले ऑप्शन की बात करूंगा। तो क्या है अगला ऑप्शन, देखिए विटामिन ई का देखते हैं पहले। विटामिन ई है तो भाई विटामिन ई को हम ब्यूटी विटामिन कहते हैं। इसी का नाम क्या है, इसी का नाम है ब्यूटी विटामिन। और ब्यूटी विटामिन के अतिरिक्त विटामिन ई को हम क्या कहते हैं, विटामिन ई को हम और क्या कहेंगे, क्या विटामिन ई को हार्मोन्स कहेंगे? नहीं, विटामिन ई को हम रिप्रोडक्टिव विटामिन कहते हैं, अर्थात प्रजनक विटामिन कहते हैं। और विटामिन ई के अभाव में बंधता हो जाती है नपुंसकता और बांझपन होता है। जी हाँ, अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर हार्मोन किसे कहते हैं, तो अब तो आपको आंसर का पता लग गया होगा कि हार्मोन किसे कहते हैं, विटामिन डी को कहते हैं। भाई विटामिन डी ऐसा विटामिन है जिसको सनशाइन विटामिन, धूप का विटामिन कहते हैं। ये क्या करता है, यह हमारे मांसपेशियों में उपस्थित कैल्शियम और फास्फोरस को इकट्ठा करके हड्डियों और दांतों के निर्माण की क्रिया को उत्तेजित कर देता है। और विटामिन डी को ही हम हार्मोन की संज्ञा देते हैं। राइट आंसर क्या होगा आपका, विटामिन डी होगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं आगे। सो फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैं आपने लाया हूं यहां पर कि पित्तरस के स्राव के लिए यकृत को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है। तो दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो ध्यान देना। पहला है एंटीरोगेस्ट एंट्रोक्राइटिन, दूसरा है पैंक्रियोजाइमिन, तीसरा हिपेटोक्राइनिन, चौथा क्या है एंटेरोगेस्ट्रॉन है, एंटीरोगेस्ट्रॉन। तो पहले हम बात करेंगे एंट्रोक्राइनिन की। वही एंटेरोक्राइनिन ऐसा हार्मोन है, ये क्या करता है, ये अग्नाशय को, और अग्नाशय किसे कहते हैं, हम अग्नाशय कहते हैं पैंक्रियाज को। तो भाई अग्नाशय को क्या करता है, अग्नाशय के स्राव को, ये अग्नाशय के स्राव को उत्तेजित करता है। यानी ये क्या करता है, ये पैंक्रियाज अर्थात अग्नाशय, अग्नाशय को हम कहते हैं मिश्रित ग्रंथि, तो अग्नाशय के स्राव को उत्तेजित करता है। क्या ऑप्शन आपका ये क्वेश्चन पूछ रहा है? नहीं, आपका प्रश्न ये नहीं है, आपका प्रश्न कुछ और है। अब अगर मैं बात करूं आगे एंटीरोगेस्ट्रॉन की, यानी ऑप्शन नंबर 4 की, तो भाई एंटीरोगेस्ट्रॉन वह हार्मोन है जो आमाशयी रस के स्राव को, आमाशयी रस यानी कि गैस्ट्रिक जूस के स्राव को, यह आमाशयी रस के स्राव को उत्तेजित करता है। क्या करता है, यह आमाशयी रस के स्राव को उत्तेजित करता है। और अगर आगे बात की जाए तो आगे क्या है, अगला ऑप्शन पैंक्रियोजाइमिन, क्या है पैंक्रियोजाइमिन। और फ्रेंड्स पैंक्रियोजाइमिन ऐसा हार्मोन है जो अग्नाशय के स्राव को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। ध्यान देना क्या करता है, ये पैंक्रियोजाइमिन ऐसा हार्मोन है जो हमारे पैंक्रियाज के सिक्रेशन को कंट्रोल करता है। वही हिपेटोक्राइनिन, जी हाँ हिपेटोक्राइनिन ऐसा हार्मोन है जो हमारे लीवर को, स्राव के लिए यानी पित्तरस के स्राव के लिए प्रेरित करता है। और पित्तरस बाइल जूस दो प्रकार का होता है, एक होता है बिलरुबिन जो पीला होता है और एक होता है बिलरुबिन। और पित्तरस वसा का इमल्सिफिकेशन करता है, इस बात का आप ध्यान दीजिए। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, एक बार फिर से बहुत शानदार क्वेश्चन मिला है हमें, रुधिर में प्रतिस्कंदन, इसका शाब्दिक अर्थ है कि रुधिर को जमने से रोकने वाला, यानी एंटीकोगुलेशन पदार्थ मिलाते हैं। तो क्या मिलाते हैं भाई, तो रुधिर में एंटीकोगुलेशन यानी प्रतिस्कंदक जमने से रोकने वाला पदार्थ क्या मिलाते हैं। पहला ऑप्शन सोडियम क्लोराइड, तो क्या हम NaCl मिलाएंगे, ये तो सॉल्ट है, टेबल सॉल्ट। उसके बाद सोडियम ऑक्सलेट,
उसके बाद पोटेशियम क्लोराइड, उसके बाद थ्रोम्बोप्लास्टिन। आपको लग सकता है कि थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या होती है, ये रक्त जमाने वाली प्रोटीन है, रक्त जमाती है। लेकिन यहां प्रश्न क्या है, प्रश्न उल्टा है कि रक्त को जमने से रोकने के लिए क्या मिलाते हैं। तो भाई इसके पहले हमने पढ़ा है सोडियम साइट्रेट, डेक्सट्रोज मिलाते हैं, इसके अलावा फॉस्फेट मिलाते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन मिलाते हैं, EDTA मिलाते हैं। लेकिन यहां पर सबसे अलग है, ना तो यहां EDTA ऑप्शन में है और ना ही यहां पर सोडियम साइट्रेट है, ना ही यहां पर डेक्सट्रोज है और ना ही यहां पर फॉस्फेट है, बल्कि आपके ऑप्शन क्या है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ऑक्सलेट, पोटेशियम क्लोराइड और थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो फ्रेंड्स, थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या होता है, यह थक्का बनने से रोकता है, और पोटेशियम क्लोराइड KCl, KCl भी एंटी कोगुलेशन नहीं होता है। अगर हम बात करें आगे, तो आगे हमारा कौन सा ऑप्शन बचता है, सोडियम ऑक्सलेट। तो जी हाँ दोस्तों, सोडियम ऑक्सलेट ऐसा पदार्थ है जो रक्त को जमने से रोकने के लिए ब्लड में मिलाते हैं। अगर यहां पर ऑप्शन आपका होता सोडियम साइट्रेट तो भी क्या होता, वो अभी आपका सही ऑप्शन होता, और यदि यहीं पर होता डेक्सट्रोज ये भी क्या होता है, सही ऑप्शन होता। अगर यहीं पर होता आपका फॉस्फेट ये भी क्या होता, सही ऑप्शन होता। अगर यहीं पर होता आपका एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट ADTA, एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट, अगर ये ऑप्शन होता तो ये भी क्या होता, सही होता। यानी ब्लड क्लॉट एंटी क्लॉटिंग के लिए सोडियम साइट्रेट, डेक्सट्रोज, सोडियम फॉस्फेट, EDTA और सोडियम ऑक्सलेट, इन सब को मिलाते हैं। और यदि हम आगे बढ़े और आगे आने वाले प्रश्नों पर बात करें, देखिए अगला प्रश्न क्या है, हमारा अगला प्रश्न बनता है कि विषाणु, जी हाँ वायरस, देखिए वायरस यानी विषाणु। अगर हम इस समय वायरस की बात करें तो इस समय वर्तमान में कोरोना वायरस का प्रकोप बहुत तेजी से चल रहा है, और मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि कोरोना वायरस से बचने के लिए हर वो संभव प्रयास करिए जो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूं विषाणु की। विषाणु ऐसा जीव है जिसके अंदर कोशिकाएं नहीं पाई जाती, बल्कि विषाणु सब एकल RNA का बना होता है, इसीलिए इसमें कोशिकाएं नहीं होती, इसलिए इसका विनाश कभी नहीं होता। विषाणु केवल निष्क्रिय हो जाता है, और जैसे ही उसे विषाणु को इसके लायक एटमॉस्फेयर मिलता है, वह पुनः क्या होता है, अटैक कर देता है। तो कोरोना वायरस भी ऐसा ही वायरस है। तो विषाणु के कारण उत्पन्न होने वाले रोग कौन से हैं, तो खसरा, मिसल्स वायरस, उपदंश, सिफलिस इसको बोलते हैं, ठीक है ना। ये कैसे होता है, रेबीज या हैजा। फिर ऑप्शन में क्या है, पोलियो, फिर सिफलिस, छोटी माता, गलसुआ, फिर हैजा, यक्षमा, टीबी, प्राणिका सोथ, उपदंश, खसरा, चेचक, गलसुआ, रेबीज। जी हाँ बिल्कुल, आपके सामने सारे ऑप्शन तैयार हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक, यानी इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, यह आपको चूज करना है कि खसरा, उपदंश या फिर रेबीज या हैजा, या फिर पोलियो, उपदंश, छोटी माता, गलसुआ, या फिर हैजा, यक्षमा, टीबी या तनिका सोत या उपदंश, यानी कि सिफिलिस, यानी कि सिफिलिस या खसरा, चेचक, गलसुआ, रेबीज, ठीक, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही। देखिए अगर मैं इसकी बात करूं तो कैसे होता है, ये होता है मिसल्स वायरस से। अगर बात करें हम स्मॉल पॉक्स की यानी कि चेचक की, तो ये होता है बैरियोला वायरस। अगर हम बात करें गलसुआ की, ये होता है मम्स वायरस। अगर हम बात करें रेबीज की, ये कैसे होता है, रेबडो वायरस से। तो ध्यान देना दोस्तों, खसरा मिसल्स वायरस, पैरामिक्सो वायरस से, चेचक बैरियोला वायरस से, गलसुआ मम्स वायरस से, और रेबीज कैसे होता है, रेबडो वायरस से। ये सभी क्या होते हैं, ये सभी चारों विषाणु से होने वाले रोग हैं, बाकी हैजा
इसको हम कहते हैं कॉलरा, ये होता है विब्रियो कॉलरी से। उसके बाद यक्ष्मा यानी कि टीबी, और टीबी को हम कहते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ऐसी व्याधि है, ऐसा रोग है जिसका अटैक हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर होता है, श्वसन तंत्र पर होता है। ध्यान देना, बीसीजी का टीका किसके लिए? टीबी के लिए, बैसिलस काल्मेट ग्लूरीन एमडीटी, सॉरी दोस्तों। इसके बाद पूछता है डॉट्स, डॉट्स किसके लिए? तो डॉट्स भी टीबी के लिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसमें राइट आंसर क्या होगा आपका, इसमें राइट आंसर आपका सही होगा डी वाला, जिसमें सभी रोग कैसे होते हैं, ये सभी होते हैं विषाणु से। आगे अब यह आपको ऑप्शन को चूज करना है कि कम रक्ताल्पता कैसे होती है और अधिक कैसे होती है, और उसके बाद दोस्तों प्रलासी कैसी होती है, या पैलेजिया कैसी होती है, या गलकंद कैसा होता है। तो ध्यान देना, इसमें सभी ऑप्शन आपको मैच कराने हैं। देखिए, आयोडीन की कमी से क्या होता है, उसके बाद आयरन की कमी से क्या होता है, नियासिन की कमी से क्या होता है, या दोस्तों विटामिन B12 के अभाव में क्या होता है। अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले दो ऑप्शन को मैच कराते हैं। आप यहां देख सकते हैं लिखा गया है सूक्ष्माणु रक्ताल्पता, यानी कि कम कम मात्रा में रक्त की कमी। फिर प्रणासी रक्ताल्पता, यानी कि बहुत ज्यादा ही रक्त की कमी, इसको हम कहते हैं घातक एनीमिया। उसके बाद गलकंड, उसके बाद पैलेजिया, और पैलेजिया को ही हम कह सकते हैं पेलाग्रा, ठीक, यानी कि चर्म रोग। आइए हम ऑप्शन को मैच करवाते हैं। अगर ऑप्शन को मैच करवाया जाए तो आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेंघा, क्योंकि दोस्तों आयोडीन ऐसा पदार्थ है जिसका स्राव हमारे थायरोक्सिन हार्मोन से होता है, और आयोडीन की कमी से यहां थायराइड क्या होती, बढ़ जाती, घेंघा हो जाता है। और थायराइड और घेंघा, घेंघा के उपचार के लिए हम क्या करते हैं, आयोडीन युक्त पदार्थों का सेवन करते हैं। और ध्यान देना, जितने भी समुद्री उत्पाद हैं, समुद्री उत्पाद में सबसे अधिक मात्रा में आयोडीन होता है। और एक शैवाल है जिसका नाम है लैमिनेरिया, लैमिनेरिया शैवाल आयोडीन का बहुत ही अच्छा स्रोत है। इस बात को आप जानते रहिएगा, अगर प्रश्न बन जाए कि आयोडीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा, लैमिनेरिया शैवाल। देखिए आगे आयरन, तो भाई आयरन की कमी से क्या होता है, तो दोस्तों आयरन की कमी से होता है आपका सूक्ष्माणु रक्ताल्पता। अगर किसी व्यक्ति के अंदर एफी की कमी हो जाए, एफी या फिर फोलिक अम्ल, एफी या फिर फोलिक अम्ल, अगर इन सब की कमी हो जाए तो उसमें क्या होता है, उसमें कम मात्रा में एनीमिया होती है। वैसे अगर मैं एनीमिया की बात करूं तो ध्यान देना आप लोग, हीमोग्लोबिन की कमी से, विटामिन B6 कमी से, विटामिन B9 कमी से, विटामिन B12 की कमी से, और आयरन कमी से, इन सब की कमी से क्या होता है, एनीमिया होती है। और एनीमिया को हम रक्ताल्पता, एनीमिया को हम रक्त क्षीणता, एनीमिया को हम अरक्तता, इन सभी नामों से जानते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, यदि हम अगले ऑप्शन को मैच कराएं, यदि हम अगले ऑप्शन को मैच कराएं, तो नियासिन मतलब विटामिन B3, तो पैलेजिया। और मैं आपकी जानकारी के लिए कह दूं कि पैलेजिया को हम क्या कहते हैं, जी हाँ दोस्तों, पैलेजिया को हम कहते हैं पेलाग्रा, और पेलाग्रा को हम क्या कहते हैं, चर्म रोग। चर्म रोग को हम क्या कहते हैं, चर्म रोग को कहते हैं चर्मगाह। क्या कहते हैं, चर्मगाह। तो ये सभी क्या है, इसी के नाम है। तो देखिए अब क्या बचा, B12, इसको आप मैच करा दो दूसरे से, तो प्रणासी रक्ताल्पता। सारे आपके यहां पर जो ऑप्शन थे वो मैच कर गए हैं। अब देखिए एक का क्या है, 3, 2 का
एक, तीन का चार और डी का क्या हो जाएगा आपका दो। तो दोस्तों आपका डी वाला क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यदि आगे बढ़ेंगे देखिए यहां दिया गया है मैमोग्राफी। एक्चुअली में इसे हम कहते हैं EMG इलेक्ट्रोमैमोग्राफ या दोस्तों एंजियोग्राफ, एंडोस्कोपी, अल्ट्रासोनोग्राफी। तो पहले आप कुछ यंत्रों के बारे में जान लीजिए। ECG या EOG। तो भाई EMG क्या होता है इलेक्ट्रोमायोग्राफ, मांसपेशियों संबंधी जांच। EEG इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफ, मस्तिष्क संबंधी जांच। ECG इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ, हृदय संबंधी जांच। और EOG इलेक्ट्रो ओक्यूलोग्राफ यानी कि आंखों में रेटिना से संबंधित जांच को हम कहते हैं इलेक्ट्रो ओक्यूलोग्राफ। अब हम बात करते हैं मैमोग्राफ की। तो भैया मैमोग्राफी क्या होती है अभी आपसे कहा था आप मैंने मांसपेशियों से। तो भाई मैमोग्राफी, उसके बाद एंजियोग्राफी, उसके बाद एंडोस्कोपी, उसके बाद अल्ट्रासोनोग्राफी। तो भाई जब किसी को पथरी होती है या किसी को पेट में कोई समस्या होती है क्या होता है वो सोनोग्राफी करवाता है। और यदि मान लीजिए किसी के पेट के अंदर कोई समस्या है तो क्या करता है भाई वो दोस्तों एंडोस्कोपी। अब ये एंडोस्कोपी क्या है देखिए जो एंडोस्कोपी होती है उसमें कैमरा लगा होता है पाइप में। उस पाइप को मुंह के रास्ते आपके आहार नाल में भेजते हैं और अंदर अमाशय के अंदर की सारी जानकारियों को उस कैमरे के माध्यम से प्राप्त करते हैं कि अमाशय में कहां पर क्या समस्या उत्पन्न हो रही है। तो दोस्तों ध्यान देना एंडोस्कोपी हो गया आपका अंदर वाला भाग। अल्ट्रासोनोग्राफी देखिए अगर इसको हम मर्ज कराएंगे तो मैमोग्राफी क्या आएगी इलेक्ट्रोमैमोग्राफ, स्तन संबंधी जांच। यानी कि आपका एक का क्या आएगा तीन आएगा। यदि हम बात करें एंजियोग्राफ की तो हमारी रुधिर वाहिकाएं अर्थात हमारे अंदर रक्त वाहिनियां चाहे धमनी हो या शिराएं हो या शिराओं और धमनियों को जोड़ने वाली रुधिर वाहिनियां हो उनकी जांच के लिए हम एंजियोग्राफी का प्रयोग करते हैं। उसके बाद एंडोस्कोपी हमारे पेट के बारे में समस्त जानकारी, अल्ट्रासोनोग्राफी तो दोस्तों गर्भाशय की जानकारी। आप देखिए आपको मालूम पड़ गया होगा कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो जहां तक मैं देख रहा हूं ए का तीन यहां पर, उसके बाद दो का चार यानी कि यहां पर, तीन का एक यानी कि आप यहां पर, और डी का दो यानी कि यहां पर। तो आपका ई वाला ऑप्शन क्या है ये सही ऑप्शन है। तो ध्यान रखना ऐसे यंत्र पूछते हैं। बाकी मैंने कुछ यंत्र और बताया आपको EMG इलेक्ट्रोमायोग्राफ, ये होती है मांसपेशी की जांच। EEG मस्तिष्क की जांच। ECG ये आपके जो है हृदय की जांच। EOG आंखों की जांच। आगे बढ़ेंगे। अब अगला प्रश्न दिया हुआ है नील हरित शैवाल को किस समूह में रखते हैं फफूदी। तो दोस्तों फफूदी क्या होता है ये कवक होता है। क्या होता है ये कवक होता है। इसमें कवक और ईस्ट आते हैं। दरअसल ये प्रोकैरियोटिक मल्टी सेलुलर होते हैं यानी कि प्राइमेट और बहुकोशिकीय होते हैं। इनको हम कवक और ईस्ट कहते हैं। ध्यान देना कवक से पहली एंटीबायोटिक 1929 में, 1929 में पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिनियम नोटेटम नामक कवक से ही बनाई गई थी जिसका आविष्कार एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अगर मैं बात करूं ईस्ट की तो भाई सैक्रोमाइसिस सेरेबीसी, सैक्रोमाइसिस सेरेबीसी ऐसा ईस्ट है जिसके द्वारा क्या बनता है सैक्रोमाइसिस सेरेबीसी, इसके द्वारा क्या बनता है इसी के द्वारा शराब बनती है। क्वेश्चन आ चुका है लोक सेवा आयोग में कि ताड़ी किसके किण्वन से बनता है। तो भाई ताड़ी यही सैक्रोमाइसिस सेरेबीसी नामक
इष्ट से बनता है, और इष्ट का प्रयोग हम लोग कहा करते हैं, इष्ट का प्रयोग हम लोग मक्खन या ब्रेड इन सब में करते हैं, मिठाई में करते हैं। तो सैक्रोमाइसीज इष्ट से क्या होता है, एल्कोहल भी प्राप्त होती है। आगे है प्रोटोजोआ। तो दोस्तों प्रोटोजोआ में वे शामिल है जिनको हम कहते हैं प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा मतलब प्रोटिस्टा, प्रो मतलब फर्स्ट, पहला, यानी जो धरती पर पहले आए थे उनको हम प्रोटिस्टा कहते हैं। तो अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ध्यान रहे अमीबा सबसे छोटा जंतु है और धरती पर आने वाला पहला जंतु है। यूग्लिना पौधे और जंतुओं के बीच की कड़ी, क्योंकि यूग्लिना के अंदर प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। अब आगे बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया की। दोस्तों जी हाँ, यही आपका वो राइट आंसर है, क्योंकि बीजीए यानी ब्लू ग्रीन एल्गी को, इसको हम कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी यानी बीजीए, और इसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं नील हरित शैवाल। और ध्यान देना, बीजीए अर्थात नील हरित शैवाल, जो आपका नील हरित शैवाल होता है, नील हरित शैवाल, इसकी कई विशेषताएं हैं। जैसे अगर मैं इसकी विशेषताओं की बात करूं तो इसकी पहली विशेषता क्या है, इसे हम कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। यह क्या है, इसे हम कहते हैं साइनो बैक्टीरिया। उसके बाद धरती पर आने वाला प्रथम प्राणी यानी प्रथम पौधा क्या है, नील हरित शैवाल। पृथ्वी पर 90%, सॉरी ये क्वेश्चन आपका नहीं होगा, ध्यान दीजिए इस बात। उसके बाद धान के खेत में जैविक खाद के रूप में प्रयोग, जैविक खाद के रूप में प्रयोग किसका होता है, एजोला के साथ नील हरित शैवाल का होता है। ध्यान रहे, जैविक खाद ऐसी खाद है जिसमें रसायनों का प्रयोग किए बिना कार्बनिक रूप से उत्पन्न की गई खादों के द्वारा फसलों की खेती होती है, उसे हम जैविक खाद कहते हैं। और सिक्किम ऐसा पहला राज्य है जिसको जैविक राज्य घोषित किया गया है। तो नील हरित शैवाल क्या हो जाएगा, साइनो बैक्टीरिया हो जाएगा। और यदि आगे प्रश्नों की बात करूं तो आगे है कुछ, यहां पर मिलान करना है और देखते हैं कि मिलान में क्या सही होगा। जैसे यहां दिया हुआ है एनाफिलीज, तो भाई एक बार मैं आपसे बात कर लूं कि दोस्तों अगर मैं बात करूं एनाफिलीज की, तो मादा एनाफिलीज, एनाफिलीज या फिर इसके अलावा यदि आपसे बात की जाए मादा एल्बुपिक्टस, मादा एल्बुपिक्टस और इसके अतिरिक्त मैं बात करूं मादा एजिप्टाई, एडीज एजिप्टाई या फिर मादा क्यूलेक्स, तो ध्यान देना यही प्रमुख मच्छर हैं जिनकी जिनके काटने से बहुत ही जानलेवा बीमारियां होती है। अगर बात करूं मैं एजिप्टाई की, इससे क्या होता है, इससे डेंगू नामक बीमारी होती है। अगर बात की जाए एल्बुपिक्टस की, तो जापानी एंसेफलाइटिस यानी जापानी बुखार होता है, जापानी इंसेफलाइटिस होता है इस काटने से। जापानी इंसेफलाइटिस क्या होता है, ये होता है एल्बुपिक्टस के काटने पर। अगर बात की जाए क्यूलेक्स और एनाफिलीज की, तो ध्यान देना आप लोग सीसी मक्खी भूमध्य रेखा के आसपास होती है, एक होता है सिकटा यानी बालू मक्खी सैंड फ्लाई, इसके काटने से भी क्या होता है, बुखार होता है। तो आइए हम बात करते हैं क्या इसमें सही होगा। तो एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज काटने से क्या होता है, मलेरिया होता है। ध्यान देना भाई, मलेरिया ऐसा बुखार है जो प्रोटोजोआ से फैलता है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। इस प्रोटोजोआ का नाम क्या है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। और मलेरिया का प्रभाव हमारे प्लीहा पर होता है, हमारे लीवर पर होता है, ध्यान देना, जब सॉरी हमारे प्लीहा पर यानी हमारे स्प्लीन पर होता है, और ये सीधे हमारे ब्लड बैंक पर ही अटैक कर देता है।
मलेरिया ऐसा बुखार है जो तीन तरह से आता है। एक आता है रोज शाम को कप कपी के साथ बुखार पसीना, एक या क्या करता है दिन भर आराम करता है और एक दिन छोड़ करके शाम को आता है। एक ऐसा होता है जो छह दिन आराम करता है सातवें दिन आता है, तो ऐसा होता है मलेरिया। और मलेरिया वास्तव में जानलेवा बीमारी है और मलेरिया के उपचार के लिए बीटा आर्टिथर वैक्सीन और हाई डेफिनेशन की हाई क्वालिटी की एंटीबायोटिक एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग करते हैं। अगर हम आगे बात करें क्यूलेक्स मच्छर की, तो दोस्तों क्यूलेक्स मच्छर ऐसा मच्छर है जिसके काटने से क्या होता है, फाइलेरिया जिसे हम कहते हैं फील पांव, और फील पांव को हम क्या कहते हैं हाथी पांव, यानी इसमें पैर क्या होता है। यह ऐसा मच्छर है जो लिम्फ वाहिनियों में काटता है जिससे वो अपने आप उनमें स्वेलिंग होती है और पैर मोटा सा हो जाता है। और ध्यान देना फील पांव ऐसी बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। अगर हम बात करें सिकटा मक्खी की से, इसके काटने से क्या फैलता है, काला आजार फैलता है। और यदि देखो सिकटा मक्खी को हम सैंड फ्लाई कहते हैं, इसको हम बालू मक्खी कहते हैं, इसको हम रेत मक्खी कहते हैं, और अगली क्या है सीसी मक्खी। जी हाँ सीसी, ये सीसी मक्खी है और सीसी मक्खी के काटने से क्या होता है नींद की बीमारी होती है। ध्यान देना भाई, तो इसमें क्या होता है नींद की बीमारी होती है, ट्रिपनोसोमा होता है दोस्तों, ट्रिपनोसोमा की प्रॉब्लम होती है। अब देखिए इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही आ रहा है, तो 4B3 उसके बाद C1 उसके बाद D2, यानी आपका बी ऑप्शन क्या है राइट ऑप्शन दोस्तों है। ध्यान देना ऐसे ही प्रश्नों के लिए और इससे भी अच्छी पढ़ाई के लिए टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन पीसीएस प्रीलिम 2020 के लिए बैचेस प्रारंभ है। और यदि आपको इन बैचेस के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप स्क्रॉल हो रहे नंबरों पर कॉन्टेक्ट करेंगे, काउंसलिंग टीम के थ्रू आपको एडमिशन के प्रक्रिया के बारे में हर एक जानकारी बहुत ही आसानी से बहुत ही आसान ढंग से प्राप्त हो जाएगी। तो एक बार ज्वाइन जरूर करें। दोस्तों आज के लिए बस प्रश्न संग्रह में इतना ही था, फिर मिलते हैं आपसे एक नए प्रश्न संग्रह के साथ। धन्यवाद सभी का, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत।